हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग अपने फ़ोन पे से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और वो जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेस हो जाता है, लेकिन आप लोगों ने जिसको पैसा भेजा है वो उसके पास नहीं पहुंचता है, तो इस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये जो पैसा है वो कहाँ गया, वो आप लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये बहुत सारे सवाल आते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है, अगर आप लोगों ने किसी को ट्रांजैक्शन किया है, किसी को अपने फ़ोन पे से बैलेंस भेजा है और वो आप लोगों को सक्सेस दिखा दिया है आपके सिस्टम में, लेकिन जिसको आपने पैसा भेजा है उसके सिस्टम पर नहीं गया है, यानी कि उसके पास नहीं गया है, तब आप लोग को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी को पैसा भेजते हैं अपने फ़ोन पे से और आप लोगों के होम स्क्रीन पे सक्सेस दिखा देता है, लेकिन पैसा उस बंदे के पास नहीं पहुंचता है जिसको आपने भेजा है, तो आपको क्या करना है, उसका जो फ़ोन पे है वो आप लोग को वहाँ पे देख लेना है और उसका स्क्रीन शॉट हिस्ट्री की ले लेनी होगी, क्योंकि कई लोग जो है फ्रॉड करते हैं आपके साथ, बोल देते हैं मेरे पास कोई पेमेंट नहीं आया है, लेकिन आप लोग को उसके जो स्क्रीन शॉट हैं लेनी होंगी, फ़ोटो खिंचवा के आप लोग को रिकॉर्डिंग करके ले लेना होगा, ठीक है। अब दोस्तों, आप लोग को जो है यहाँ पे कंफर्म पता चल गया है कि उस बंदे के पास पेमेंट नहीं गया है, लेकिन मेरे पास सक्सेस दिखा दिया है, तो आप लोगों को करना क्या है। सबसे पहले मैं आप लोग को चलिए दिखाता हूँ आपको क्या करना है। आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और हिस्ट्री पे आप लोग क्लिक कीजिए। हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने जो भी आप लोग का पेमेंट फेल हुआ है उसको आप लोग सेलेक्ट कीजिए और ये देख सकते हैं आपका जो पेमेंट है, मतलब वो फेल गया, सक्सेस दिखा दिया गया है, लेकिन उस बंदे के पास नहीं गया है। देख सकते हैं जैसा कि आपके ऊपर दिखा रहा है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, लेकिन ये जो पेमेंट है 1600 रुपये की मैंने इस बंदे को किया तो ये नहीं गई है। तो आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे ट्रांसफ़र डिटेल्स पे क्लिक करिए और आप लोग को जो ट्रांजेक्शन इसकी आईडी है ये ट्रांजेक्शन आईडी नोट कीजिए और ये जो यूटीआर नंबर है इस यूटीआर नंबर को भी आप लोग को नोट कर लेना होगा कहीं डायरी या कॉपी पे। अब इसको नोट करने के बाद अब आप लोग यहाँ पे नीचे जो है देख सकते हैं कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट आ रहा है, यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिए। अब जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, और दोस्तों ये आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोग ये जो आप लोग का पेमेंट जो है आज सक्सेस दिखा दिया गया है तो आप लोग 10-15 दिन बाद मत कीजिए, क्योंकि फिर कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोगों का जो पेमेंट आज सक्सेस दिखा दिया है लेकिन नहीं गया है, तो आप लोगों को तुरंत से ये जो है सपोर्ट लेना होगा, हेल्प सपोर्ट, ठीक है। अब ये यहाँ पे आप लोग का फ़ोन पे जो है लोडिंग होता है यहाँ पे, अब ये बोल रहा है सोनू सा कि हम देखते हैं कि आपके बैंक में बैंक ने ये मतलब ये बोल रहा है स्वीकार कर लिया है। अब ये आप लोग का जो पैसा है यहाँ पे मैंने गलत खाते में पैसा भेजा, ये आप लोग का हो सकता है इंग्लिश में है, तो आप लोग यहाँ पे चेंज लैंग्वेज पे क्लिक करके अपना जो लैंग्वेज है वो चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं हिंदी करके रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं हिंदी में, आप लोग जैसे जिस चीज़ में आप लोग बात करना चाहते कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं अब ये बोल रहा है पैसे आप उनके खाते में मिले हैं या नहीं ये जानने के लिए कृपया उसके रिसीव बैंक के लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट चेक करने को कहें। मतलब आप लोग उनसे उनको बिल्स बोल सकते हैं कि आप लोग अपना जो लेटेस्ट जो आपका स्टेटमेंट है उसको चेक करिए और उनके जो स्टेटमेंट की जो फोटोकॉपी वो आप लोग मंगा लीजिए, ठीक है। अब ये बोल रहा पैसा हमेशा उस खाते में जमा किया जाता है जिसे रिसीवर ने फ़ोनपे पर अपने प्राथमिक बैंक खाते के रूप में चुना है, क्या आपको इस पर मदद चाहिए। मतलब जो फ़ोनपे आप लोगों ने जिसके पास पैसा भेजा है आप लोगों ने नंबर से, तो उसको उसी बैंक में जाएगा और जो उसने प्राइमरी लगा के रखी होती है, ठीक है। बैंक कई होती है, कई लोगों की जो उसने प्राइमरी बना के रखी होगी तो उसी में पैसा जाएगा। अब ये बोल रहा है मैं इस पेमेंट पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट करना चाहता हूँ, कैशबैक संबंधित मैंने गलत खाते में पैसे भेजे हैं, पैसे ये जमा नहीं किए गए हैं। तो ये आप लोग यहाँ पे जो है लग रहा है कि पैसा जमा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। अब ये बोल रहा है सोनू सा कि पैसे अब तक रिसीवर बैंक के खाते में पहुँच चुके होंगे, क्या आप हमें बता सकते हैं। 6525 ने क्रेडिट कंफर्म के लिए अपना लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट चेक किया या नहीं, तो अगर उसने चेक कर लिया है और तब भी उसको नहीं आया तो आप लोग हाँ कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पूरा का पूरा सपोर्ट ले सकते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था सोनू सा, कृपया ट्रांजैक्शन ये बोला कि कहें कि भाई ऐसे पेमेंट, ये सारी डिटेल यहाँ पे बता रहा है, कृपया 6525 को कहे कि वो इस पेमेंट के लिए रिसीवर बैंक से यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस यूटीआर के साथ संपर्क करें। मतलब ट्रांजेक्शन को, मतलब आप लोग ने जिसको ट्रांजेक्शन किया है तो उसको आप लोगों को अपना ट्रांजेक्शन आई डी दे देनी होगी
और यूटीआर नंबर दे देना होगा और बोलना होगा कि वो उसको बोल देना होगा कि वो अपने बैंक में जाए और पता करे कि उसके बैंक में जो पैसा क्यों नहीं आया है। ये बोला हमें उम्मीद है कि ये जानकारी मददगारी थी, हमने आपके लिए टिकट नंबर बनाया है, आप इस टिकट को स्क्रीन के सबसे ऊपर टिकट में एक्सेस कर सकते हैं, क्या आपको और सहायता चाहिए। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है यहाँ से आप लोग पता कर सकते हैं। बाकी का आप लोगों को मैं एक कस्टमर केयर का नंबर भी दे रहा हूँ, तो आप लोग उस कस्टमर केयर से भी बात करके आप लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी का आप लोग यहाँ पे हेल्प सपोर्ट ले सकते हैं यहाँ से। और बाकी का आप लोग गूगल क्रोम पे जाइए और यहाँ पे आप लोग टाइप कीजिए फ़ोनपे सपोर्ट। ठीक है, फ़ोनपे सपोर्ट आप लोग टाइप कीजिए और टाइप करके आप लोग सर्च कर दीजिए और आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी फ़ोनपे की। और दोस्तों फेक वेबसाइट पर मत पहुँच जाना, और ये आप लोग स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ये कॉन्टैक्ट अस के जितने नंबर दिखा रहे हैं 0806872737374 इस पर भी आप लोग कॉल कर सकते हैं, और 0226872737374 इस पर भी आप लोग डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ऑप्शन बताएंगे, सुनाए देंगे कि हमारे कस्टमर केयर से बात करने के लिए ये बटन प्रेस कीजिए, तो आप लोग को वो बटन प्रेस करके कस्टमर केयर से बात कर लेनी होगी। और आप लोगों ने जो ट्रांजेक्शन आई डी नोट किया है और यूटीआर नंबर नोट किया है उसको आप लोग को जो है कस्टमर को बता के आप लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा लीजिए कि आपका जो पैसा वो क्यों नहीं गया। ठीक है गाइस, इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपने कस्टमर केयर से बात करके आप लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग को एक तरीका मैं और बता देता हूँ। आप लोगों को जो है ये मतलब प्रॉब्लम आ जाती है तो ये जो पैसा है, अगर मतलब जो पैसा है उस बंदे के पास भी नहीं गया है, आपका जो पैसा कट गया है, तो ये पैसा जो है ऑटोमेटिकली आपके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है रिफंड मिल जाता है पैसा, अगर किसी गलती की वजह से ये पैसा कट गया है, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है और उस बंदे के पास नहीं पहुंचा है, तो आपका जो पैसा है वो आपको वापस से मिल जाएगा। अगर ट्रांजेक्शन फील्ड भी हो जाता है तो भी आपको पैसा आपका वापस मिल जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोग को 24 घंटे का वेट करना है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप लोग का सक्सेस दिखा देता है तो आप लोग फोनपे के कस्टमर केयर से एक बार बात जरूर से कर लेना, वहाँ पे वो अपने सिस्टम पे देख के आपकी पूरी की पूरी वो हेल्प करेंगे। ठीक है गाइस, दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो जरूर से एक लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हो सके तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन आ जाएगा उसे जरूर से प्रेस कर लेना, जो कि मैं जब भी इस तरह के वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत से आप लोग को मिल जाए। सो गाइस, फिलहाल के लिए बस, नहीं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।